हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम देखेंगे इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6। ठीक है, तो हमको मिडिल टर्म देखो यहाँ पर, ये क्या है 5 है, ठीक है, और ये क्या है 6 है हमारे पास। ठीक है, तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 × 6 कितना होगा, उनका प्रोडक्ट तो 6 के इक्वल हो, ठीक है, क्लियर है, और उनका जो सम हो वो कितना हो, वो 5 के इक्वल हो। ठीक है, और सम जो है वो 5 है, तो ये बताओ 5, ये मिडिल टर्म 5 है, तो सम 5 हो और प्रोडक्ट जो है वो 6 हो। कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं, अगर मैं देखती हूँ 6 के फैक्टर्स, तो देखो एक 2 और 3, ये ऐसे दो नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट तो 2, 3 से 6, उनका सम 2 + 3 = 5 होता है। ठीक है, तो अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहां पर हम इसको लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस 2p + 3p + 6। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया 5p को 2p + 3p करके। ठीक है, अब यहां से इन दोनों में से p को कॉमन ले लो, क्या बचा p + 2। यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से देखो 3 आ सकता है कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचा p, 3 × 2 = 6, यहां आ गया 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, p + 2 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो हम कर लेंगे p + 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, ये वाला p प्लस का साइन लगाओ और ये 3 लगा लो, तो देखो ये हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज बहुत टफ नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगी। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन देख लो, x² + 2x - 15। अब देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 × 15 15 हो गया, लेकिन देखो नेगेटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि एक नंबर प्लस होगा हमारा और दूसरा नंबर हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, और अब सम कितना आ रहा है, दोनों का जो सम है वो आ रहा है 2। ऐसे दो नंबर्स बताओ अब तुम जिनका प्रोडक्ट करूं तो 15 आए, ठीक है, सम करूं तो 2 आए। ठीक है, तो देखो क्योंकि नेगेटिव साइन है तो मैं 5, 3 = 15 को लेके चलते हैं। ठीक है, देखते हैं उससे होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो 5 है और 3 है, ठीक है, दो नंबर्स हो गए, प्रोडक्ट इनका -15 है, इसका मतलब इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, सम क्योंकि 2 आ रहा है, +2 आ रहा है, साइन किसका है, बड़े नंबर का साइन लगता है, इसका मतलब 5 तो भाई पॉजिटिव हो जाएगा और छोटा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। आगे समझ में, कहां प्लस लगाना है, कहां माइनस लगाना है, अगर यहाँ पे -2 होता तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि लेकिन +2 है तो हमने प्लस जो है बड़े वाले नंबर के साथ कर दिया, छोटे नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, क्लियर, चलो अब हम इसका फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। इसको लिख दो x², इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5x - 3x लिख दू, हो गया 2x, 5 - 3 हो गया 2। चलो x कॉमन ले लो, यहां क्या बचा x + 5 बचा। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, -3 कॉमन ले लो। ठीक है, क्योंकि माइनस देखो यहां भी है यहां भी है, यहां क्या बचा एक्स बचा, प्लस का साइन लगेगा क्योंकि माइनस तुम कॉमन ले चुके हो, यहां अंदर क्या आ जाएगा 5, 3 = 15। ठीक है, सही आ गया ना समझ में। अब देखो x + 5 यहां भी, x + 5 यहां भी, कॉमन ले लो x + 5, यहां क्या बचा एक्स, यहां क्या बचा नेगेटिव साइन और ये -3। ठीक है, सिंपल। चलो अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो खूब ढेर सारे एग्जाम्पल कर लो इसके, तो जो है ना तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स तो सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहता है। चलो अब देखो दो नंबर्स बताओ जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए -4 और सम आ जाए उनका 3। ठीक है, तो देखो 4 के फैक्टर्स निकालो, अगर मैं 2 × 2 = 4 करती हूँ तो भाई सम तो 3 नहीं आता, लेकिन हाँ एक फैक्टर 1 और 4 जरूर होता है, 1 × 4 = 4 होता है। ठीक है, अब देखो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये कैसे जानोगे कि एक नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, क्योंकि सम में देखो +3 आ रहा है, साइन किसका लगता है बड़े नंबर का, इसका मतलब बड़ा नंबर हमारा पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव होगा। क्लियर, चलो अब उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, m² + 3m को मैं 4m - 1m लिख दू। ठीक है, कर सकती हूँ, चलो दोनों में से m को कॉमन ले लो, क्या बचा m + 4 बचा,
यहां से क्या कॉमन ले लो, माइनस वन कॉमन ले लो, कुछ और तो हमें मिल नहीं रहा है, यहां क्या हो जाएगा एम प्लस फोर। ठीक है चलो, एम प्लस फोर यहां भी, एम प्लस फोर यहां भी है, क्या बचा अंदर एम माइनस वन। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर राइट। देखो मैंने ओलंपियाड होते हैं ना, मैथ्स ओलंपियाड सबके स्कूल में होते हैं ना मैथ्स का, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस मेरे होम पेज पे जाओ रेनो सॉल्यूशन के, तो देखना कितनी सारी मैथ्स ओलंपियाड की मैंने वीडियोस डाल रखी है, तुम लोग के लिए बहुत यूजफुल होगी। ठीक है, और जो उसको विजिट करे तो प्लीज एक कॉमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भी तुम लोग देख रहे हो। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 24, क्या करेंगे ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट यहाँ 1 है, 124 कितना हो गया 24, सम आना चाहिए माइनस का 10। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 10 है, इसका मतलब क्या है, पहले हम 24 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अगर मैं 6 4 24 निकालू, 6 और 4 6 4 24, ठीक है सम है माइनस का 10, इसका मतलब क्या है, देखो प्रोडक्ट में प्लस आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, ऐसा क्यों है, अगर नेगेटिव है तो एक प्लस एक माइनस, लेकिन फिर प्रोडक्ट भी नेगेटिव होता, प्रोडक्ट पॉजिटिव है इसका मतलब दोनों माइनस है, जब भी तो माइनस 6 माइनस 4 प्लस 24 बनेगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सम में क्या होगा, जो नंबर बड़ा है उसके साथ नेगेटिव, लेकिन छोटे के साथ भी नेगेटिव आएगा, क्लियर, आगे समझ में। चलो अब मैं इसको कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, पी स्क्वायर माइनस 6p माइनस 4p, मैंने माइनस 10 को माइनस 6 माइनस 4 कर दिया, हो जाएगा नहीं माइनस 10, है ना। चलो यहां से कॉमन ले लो p, अंदर बचा p माइनस 6, यहां से क्या कॉमन लोगे, कुछ आ रहे हैं हाँ 4 आ रहे हैं ना, माइनस का 4 कॉमन ले लो, यहां बचा p, यहां जाएगा माइनस का 6 4 24, p माइनस 6 दोनों जगह से कॉमन ले लो, यहां क्या बचा p, नेगेटिव साइन और 4, सिंपल है ना, आसान है ना। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2, क्या करेंगे इसमें, अब देखो दो नंबर्स ऐसे जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए माइनस का हुआ, सोचो जरा, और सम आ जाए माइनस का 2, नहीं 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 उल्टा कर दिया ना, प्रोडक्ट है माइनस 2, सम है माइनस 1, सम तो ये वाला होता है ना, प्रोडक्ट ये वाला होता है। ठीक है चलो, अब देखो 2 1 2 होता है, मतलब एक 2 हो गया एक 1 हो गया। ठीक है, अब मुझे लेकिन सम चाहिए माइनस 1, इसका मतलब क्या है कि बड़े नंबर का साइन आएगा तो इस पे बड़ा नंबर 2 है, इस पे नेगेटिव लगा दो, इस पे पॉजिटिव लगा दो, अब देखो माइनस 2 1 जा माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1, फुलफिल हो गए दोनों कंडीशंस। ठीक है चलो यही कर देते हैं, माइनस जेड की जगह में माइनस 2z प्लस 1z लिख दू। ठीक है चलो कॉमन ले लो दोनों में से, जेड क्या बचा, जेड माइनस 2, यहां से तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, 1 कॉमन ले लेते हैं, जेड माइनस 2 दोनों जगह है, लिख दो जेड माइनस 2, क्या बचा जेड प्लस 1। ठीक है समझ में आ रहा है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8। ठीक है अब बताओ क्या क्या दो नंबर्स हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 8 है, तो मुझे देखो 4 2 8 नजर आ रहा है ना, 4 और 8 2, 4 2 8 हो जाएगा, और सम आए माइनस का 2, तो देखो माइनस साइन इसका मतलब बड़े नंबर में नेगेटिव होगा और छोटा नंबर प्लस होगा। ठीक है सही है, तो चलो इसको लिख देती हूँ मैं, माइनस 2 में कैसे लिख सकती हूँ, माइनस 4z प्लस 2 माइनस 8, मैंने माइनस 2z को माइनस 4z प्लस 2z लिख दिया। ठीक है कॉमन ले लो, z क्या बचा, z माइनस 4, यहाँ पे आ गया z माइनस 4 दोनों जगह है तो लिख दो z माइनस 4। ठीक है ये आपका 2 है, अच्छे से लिख देते, ये भी z लग रहा है ना। चलो अब हो गया z प्लस 2, ठीक सही है। चलो